आइए ले चलते हैं आपको टेलीविजन शो कलीरे के सेट पर, जहां पर बढ़ गई है विवान और मीरा के बीच की दुश्मनी। जी हां, विवान हर तरीके से अपनी जिंदगी में आए हर भूचाल के लिए मीरा को दोषी मानता है। वो ये मानता है कि आज अगर विवान की माँ नहीं है और अगर उसकी बहन कोमा में पड़ी है तो इन सब की वजह कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मीरा है, और इस बात का बदला लेने के लिए विवान हर नई कोशिश कर रहा है। और इसी बात को अंजाम देने के लिए विवान ने बुलाया है मीरा को। हालांकि विवान ने तो ये मजाक किया था, लेकिन ये क्या, बेचारी मीरा के पीछे पड़ गए हैं गुंडे। अब जब तक हीरो ना आए तो बेचारी हीरोइन की एंट्री को किस तरीके से सेव किया जाए। पहुंच गए हैं विवान और कर दी है गुंडों की धुलाई और बचा लिया है मीरा को, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में गुस्सा, नाराजगी और टेंशन फुल ऑन है। अब ये टेंशन क्या रंग लाएगा, क्या दोनों के बीच में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, या फिर ये विवान के टॉर्चर्स की सिर्फ एक शुरुआत है, ये जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मीरा को एक्चुअली भगा रहा था बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई और जो मेरी साइको बहन है वो बार बार जो कोमा में चली जाती वो कोमा में चली गई। और तो मैं ऐसे इसको तंग करने के लिए इधर उधर बुलाता हूँ और थोड़ा तंग करता हूँ, बट बाद में पता चलता है इसलिए मैं फंस जाती है कुछ गुंडे आते हैं। सो अब ऐसे आएंगे तो गुंडे तो फंसे। बचा लिया हीरो एट द एंड ऑफ द डे, हालांकि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है एंड बचा के भी ऐसे कह रहा है कि किसी और से मुसीबत में क्यों पड़ूं, मैं तुम्हें खुद मुसीबत में डालूंगा। तो फुल एटीट्यूड में टेंशन में लड़ते हुए भी बचाया इतनी जल्दी। अभी तो नहीं यार, क्योंकि अभी तो मरी है वो बेचारी मम्मी कपूर, जो 8 महीने से जिसको ढूंढ रहे थे बेचारी ने, एक तो 10 दिन शूट किया फिर मर गई। तो अभी थोड़ा बहुत मजा आया, पर काफी रिस्की भी था क्योंकि नंगे पैर भागी थी, मुझे एक्चुअली लगी जा रही थी, बट इट वाज फन, इट वाज ऑफ कोर्स फन, मौसम बहुत अच्छा था एंड इट वाज गुड। मैंने बताया जैसे जी बहुत अच्छा है एंड मैंने ये इन सारी लोकेशन में बहुत बार शूट किया, तो जब भी मैं यहाँ शूट करता हूँ तो बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है मुझे एंड अच्छा लगता है शूट करना। सो